उज्जैन पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध मशरू का लगभग 1,66,53,681 रुपए का किया जब्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव व आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में सख्ती से वाहन संदिग्ध चेकिंग जारी। विगत दिनों में सघनता से चेकिंग के दौरान अवैध रूप से मादक पदार्थ शराब कीमती करीब 10 लाख से अधिक जब्त। सोना चांदी नकदी आदि करीब 1 करोड़ रुपए की तस्करी करते आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज। आगामी विधानसभा चुनाव व आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सचिन शर्मा द्वारा शहर में जिले के सीमावर्ती थानों के अंतर्राज्यीय सीमा बॉर्डर चेक पोस्ट पर सख्ती से वाहन चेकिंग संदिग्धों की चेकिंग करने के सख्त निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जिले के समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत पृथक चेकिंग पॉइंट पर 24x7 वाहन व संदिग्ध व्यक्ति की सघनता से चेकिंग कर विगत दिनों में अवैध शराब कीमती करीब 10,30,160 रुपए को जब्त किया जाकर आबकारी अधिनियम के तहत आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। मादक पदार्थ कीमती करीब 8,000 रुपए को बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध NDPS अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। बिना दस्तावेजों के सोना चांदी का परिवहन करने पर 1 करोड़ से अधिक के आभूषण जब्त कर कार्यवाही की गई। आचार संहिता के दौरान बिना दस्तावेजों के 50,000 रुपए से अधिक राशि रख परिवहन करने वाले चालकों से करीब 5,50,000 रुपए को बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जाँच में लिया गया है। साथ ही साथ अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, शराब पीकर वाहन चलाने, सार्वजनिक स्थानों पर शराब मादक पदार्थ का सेवन करने वाले आरोपियों चालकों के विरुद्ध भी निरंतर कार्यवाही जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।